कई तरीके से डेट किए होंगे, लेकिन आप लोग ऐसा ना करिए। हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट अपील करने के लिए आया हूँ। आज तक आप लोगों के सामने कई लोग बता दिए होंगे कि जो एक्ट वक्फ बोर्ड एक्ट हम लोगों पर जो अप्लाई किया जा रहा, आप लोगों के हाथ में है कि बिल पास करे, ये बिल को यहीं पे रद्द कर दे। पास करने से क्या होगा, रद्द करने से क्या होगा, आप लोग तवज्जो से सुनिए, उसके बाद आप लोगों को सारे बातें शेयर करता हूं। कि अगर खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, अभी भी हम मुसलमान लोग सो रहे हैं, अभी भी ये लोगों को पता नहीं है कि इस एक्ट के रिलेटेड, तो आप लोग ये सोचिए कि हमारे हाथों से जो वक्फ बोर्ड के जगह, वक्फ बोर्ड के जो भी जायदाद हैं, वो सारे के सारे हुकूमत के अंडर चले जाएंगे। जैसे दरगाह हो गया, जैसे मसाजिद हो गए, ये सारे उनके अंडर में चले जाएंगे। मुसलमान के लोगों से उन्होंने दरखास्त किए, क्या आप लोग इस बिल को पास करना चाहते हैं या रद्द करना चाहते हैं? तो हम लोग क्या करना चाहिए, आप लोग सोचिए। कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई दिनों से इसके ऊपर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन आज भी हम लोग सो रहे हैं, सिर्फ सामने वीडियो आके ये कह रहे हैं कि इसको इस तरीके से करें, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि कितने जीमेल एक पर्सन बना सकता है एक नंबर पे। अगर हम लोग 5-5 जीमेल लीगली बनाकर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग 5-5 जीमेल एक नंबर पे बनाकर हम लोग शेयर कर सकते हैं। ये कोई आप लोगों को नहीं कह रहा, बस कह रहा कि स्कैन करिए और जो भी डिटेल्स आएगा उसको जो भी वक्फ बोर्ड की कमेटी है उस तक पहुंचा दीजिए। लेकिन आप लोग सोच समझ के करिए। अगर किसी को पता नहीं, बहुत सारे बूढ़े लोग जिनको स्मार्टफोन के रिलेटेड पता नहीं होगा, तो आप लोग उनके नंबर से आप लोग जीमेल बनाइए और उस जीमेल से भी आप लोग कोशिश करिए कि इस जो टॉपिक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है, इस टॉपिक को उनके जीमेल से सेंड करिए। हम लोगों को एक काम दिल से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम है, हमारे ओम का काम है, हमारे मसाजिद को हम लोग हिफाजत करने का काम है, ये हम लोगों को जरूर करना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, जो भी बूढ़े हैं उनके नंबर लीजिए, उनके नाम पे, उनके नंबर पर एक जीमेल बनाइए और उनके जीमेल से भी आप लोग क्या करिए कि वक्फ बोर्ड पे एक जीमेल सेंड कर दीजिए। बस यही मेरी दरख्वास्त है। मुझे आज भी वो बात याद आती है, अगर किसी कौम जो भी हिंदुस्तान में है, जैसे आप लोग सिख पीपुल्स ले लीजिए, फार्मर पीपुल्स ले लीजिए, उनके साथ भी हम लोग हमेशा खड़े हैं। जब उनके ऊपर कोई एक्ट आता है, आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से कहीं कहीं दूर से वो लोग आके एक जगह इकट्ठा बैठ जाते हैं और वो अपना मांग पूरा करते हैं। लेकिन आज हम लोग इतनी बड़ी चीज हम लोगों के सामने आ गई है, लेकिन आज भी हम लोग वीडियो के जरिए ही हम लोग शेयर करें, लेकिन चलकर ऑफलाइन, चलकर रोडों पर आने का हम लोग आज तक भी नहीं सोचे। पता नहीं क्यों, अब कब तक हम लोग दरखास्त है। अगर ये भी नहीं कर सकते हम लोग, तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सारी डिटेल्स आप लोगों को क्या करना है गौर से सुनिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये अपील आई है कि बहुत सारे लोग स्कैन करने की वजह से स्कैनर वर्क नहीं कर रहा, जिसकी बुनियाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसी बुनियाद पर जो लोगों के पास QR कोड काम नहीं चल रहा है, वो लोग चाहिए कि इस नंबर जो भी हेल्पलाइन है वहां पे कॉल करके आप अपील कर सकते हैं और आप जीमेल कर सकते हैं। तो जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग शेयर करने की बुनियाद पर QR किसी का भी वर्क नहीं कर रहा, तो आप जाइए जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉल करिए और हेल्पलाइन जो भी यहाँ पे 3 नंबर मौजूद है कॉल करिए, उनको अपील दर्ज करिए। ये चीज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, चाहे किसी तरीके का भी हो, इंशाल्लाह बने रहना, बस देखते रहना। मेरी तरफ से भी एक आवाज उठे कि जो भी मुझे देखने वाले हैं कि वो लोग किसी दूसरों को शेयर करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा आपका या किसी का काम सोच कर ना करिए, ये हमारा काम सोच कर करिए। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।